थे। बात समझ में आए? बोलो। ओके, थोड़ी यही है। बोलो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन दूंगा। ओके, किया ये नोट। बोलो। पूछो हमें। बोलो। ठीक है, क्वेश्चन लिखूंगा, चार ऑप्शन लिखूंगा, पहले आप बताओगे फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, क्लियर? ओके, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की संख्या होगी, ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, ओके, पहला ऑप्शन है 11 और 4, क्लियर, एक है 12 और 4, ठीक है, एक है 11 और 3, ठीक है, और एक है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए जरा क्या होगा आंसर।
सोच लिया। ए किसी का आंसर, बी, सी, डी। ओके, इधर देखो, वैसे तो बहुत इजी है। एच एच डबल बॉन्ड एच, बोलो एच, क्लियर? मैंने कहा डबल बॉन्ड, ठीक है, एच, बोलो ट्रिपल बॉन्ड, सी एच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बोलो? 11। ओके, देखते ही इसको तो कट कर दूंगा मैं, बोलो क्लियर? और पाई बॉन्ड तो बहुत इजी है, डबल बॉन्ड में एक, फिर डबल बॉन्ड में एक, ट्रिपल बॉन्ड में दो, टोटल कितने हैं? चार। क्लियर? ओके, आया समझ? बोलो, ऐसा नहीं करना है कि 1 2 3, अरे बोलो, एक डबल बॉन्ड में एक और एक, हाँ ठीक है, जबकि पाई बॉन्ड ज़्यादा इजी है। और पाई बॉन्ड तो होते ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में एक होता है, ट्रिपल बॉन्ड में दो होते हैं। क्लियर? ओके, आए समझ? बोलो, पूछू मैं? आप बोलो और क्लियर? ठीक है, नंबर 5 हो गया नोट। ठीक है, नंबर 5 मैंने पूछा, बेंजीन नाम सुना बोलो? ओके, मैं सिग्मा एंड पाई टोन की संख्या होगी, क्लियर? ओके, पहला ऑप्शन है बोलो 6 एंड 6, दूसरा है 6 एंड 3, दूसरा है 12 एंड 3, क्लियर? और 24 एंड 6, क्लियर? बेंजीन सब जानते होंगे, बोलो बेंजीन की स्ट्रक्चर ये होती है, ठीक है, ये लो, हो गया? चलो, ए किसी का, बी किसी का, सी किसी का, डी किसी का, सी किस किसने बताया? ओके, आंसर क्या है? डी। रीजन आपने निकाला सिग्मा बॉन्ड, बहुत अच्छी बात, 6 और 6 कितने? 12। पाई बॉन्ड, बहुत अच्छी बात, 3। लेकिन मैंने पूछा क्या है? सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, बॉन्ड चाहे सिग्मा हो या पाई हो, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन 2 इलेक्ट्रॉन से होता है। तो जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछूंगा तो बॉन्ड का डबल हो जाएगा, बोलो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछूंगा तो बोलो बॉन्ड का डबल हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? बोलो 24 और 6। समझ में आया? बोलो, जो पूछा जाए वो बताओगे तो काम बनेगा, समझे ही समझे? बोलो, मैंने यहाँ हाथ रखा क्या? बोलो नहीं। अरे समझे समझे, साफ साफ लिखा हुआ है सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या,
ये तो पढ़ा अपन ने, बोलो कि सिग्मा हो या पाई बॉन्ड हो, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन से होता है? दो इलेक्ट्रॉन से। तो अगर बॉन्ड आपके आए 12 और 3 तो इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएंगे, बोलो। ओके आया बात समझ में? बोलो। पहले बताओ सिग्मा और पाई बॉन्ड समझ में आया? बोलो आपको, इसकी जरूरत हमें कभी भी पड़ सकती है, बोलो। क्लियर? तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या सिखाया? सिग्मा और पाई बॉन्ड। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट में आप क्या सीखते हैं? ये तो समझ गया मैंने, मैंने बोलो। क्लियर? ओके, हो गया नोट? बोलो, ये हुआ या नहीं? ये तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसको ऐसा ने लिख करके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया। अरे समझ गए ना? बोलो। ओके हाँ। कैसे सिग्मा बॉन्ड होगा डबल, मतलब क्या होगा? क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ, हम पूरी ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो हमें हमें अपने आप पता चल जाएगा कि CHO जो लिखा होता है वो ऐसे लिखा जाता है। हमें अपने आप पता चल जाएगा कि बोलो ये ऐसे लिखा जाता है। हमें अपने आप पता चल जाएगा कि ये ऐसे लिखा जाता है। समझे? बोलो। क्लियर? वो तो हमें अपने आप पता चलेगा। बोलो। क्लियर? ओके। अरे समझे नहीं समझे? बोलो। समझ गए ना? वो तो हम पढ़ेंगे हर चीज़। बोलो, फर्स्ट ग्रेड का मतलब है एल्किल हैलाइड से लगाकर, एल्कोहल से लगाकर, कार्बोनिल से लगाकर, कार्बोक्सिलिक एसिड से लगाकर, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, पूरा ऑर्गेनिक पढ़ेंगे अपन। बोलो बात समझ में? बट मैं थोड़ा बेसिक पहले पढ़ाना चाहता हूँ। क्लियर? बोलो। नहीं, बट अपने को तो पता है ना कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा लिखा जाता है। तो जब ऐसा पता चल जाएगा सिग्मा पाई बॉन्ड, वैसे ही पता चल जाएगा। बोलो बोलो बात समझो ना, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बोलो। अरे समझे क्या? ये बोलो, मैंने लिखा CN, क्या ये हॉलीवुड का हीरो है? अरे ये तो केमिस्ट्री का है ना, तो हमें तो पता ही होगा। बोलो ऐसे होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए? बोलो। ओके, तो मैं सिग्मा पाई बॉन्ड सिखा रहा था, समझ में आया? बोलो। ओके चलो, अब हम फिर कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, और वो हमारा क्या होगा? बोलो, मैंने कहा हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? ओके, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? ओके, कार्बनिक यौगिकों में संकरण। क्लियर? ओके, क्या बता रहा हूँ यहाँ पर? मैंने कहा कार्बनिक यौगिकों, क्लियर? ओके, में संकरण। ठीक है, तो अगेन थोड़ी केवल और केवल 2 मिनट की। क्या? पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन में कभी पाई बॉन्ड भाग नहीं लेते हैं। दूसरी बात, केवल सिग्मा बॉन्ड ही भाग लेते हैं। क्लियर? और ऑर्गेनिक में बोलो कार्बन से ही कंपाउंड बनते हैं, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp या sp2 या sp3, इन 3 में से एक होगा। क्लियर? ओके, तो मैंने कहा कब कौन सा होगा? तो मैंने कहा यदि यदि किसी कार्बन के नियर बाय, क्लियर, 2 सिग्मा बॉन्ड, क्लियर, हो तो उसका संकरण कौन सा होगा? sp। क्लियर? मैंने कहा यदि किसी बोलो कार्बन, क्लियर, बोलो कार्बन के नियर बाय, नियर बाय मतलब आसपास। क्लियर? ओके, मैंने कहा आस पास, ओके, 3 सिग्मा बॉन्ड हो, क्लियर, तो उसका संकरण क्या होगा? sp2। क्लियर? और मैंने कहा यदि किसी कार्बन, ओके, बोलो के आस पास, ठीक है,
आसपास चार सिग्मा बॉन्ड हो तो संकरण कौन सा होगा? sp3 होगा। थ्योरी खत्म। बोलो बात समझ में आए, बोलो ओके। अब मैंने कहा प्रैक्टिस, वही तीन चार पहले मैं कराता हूँ फिर आपसे पूछता हूँ। जैसे मैंने कहा CH2CH और C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्लियर? बात समझ में है। और मैंने कर दिया 1 2 और 3, ठीक है, और ये 4। और मुझे कोई कहे कि C1, बोलो C2 C3 एंड C4 का संकरण बोलो होगा, क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया बोलो आपको? चारों कार्बन का संकरण। तो मैंने कहा पहले, सबसे पहले यहाँ से देखूँ, बताओ ये जो है इसके नियर बाई कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 है। अरे बोलो, 2 तो हाइड्रोजन के और 1 इसका, क्लियर? तो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो C1 का संकरण क्या होगा? sp2 होगा, क्लियर? बोलो C2, C2 के नियर बाई सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 और 3, इसका भी क्या होगा? sp2 होगा, क्लियर? बोलो इसके सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? तो मैंने कहा 1 और 1 2, क्लियर? बॉन्ड चाहे सिंगल हो डबल हो ट्रिपल हो, एक सिग्मा बॉन्ड तो होता ही है, क्लियर? मैंने कहा C4, बोलो एक हाइड्रोजन का और एक इधर क्या हो गया? sp। इसका मतलब हुआ कि मैंने आपको पहले सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना क्यों सिखाया? अरे बिना उसके हम हाइब्रिडाइजेशन कर ही नहीं सकते हैं, क्लियर? पहला क्वेश्चन समझ में आया बोलो? ओके। मैंने कहा CH3 CO CH3, क्लियर? ओके। मैं रेखांकित, क्लियर? रेखांकित बोलो कार्बन, ओके। रेखांकित कार्बन मतलब क्या? मार्क्ड कार्बन, क्लियर? ओके। का संकरण होगा, ठीक है? ये मैंने बोलो ऑप्शन है हमारे, बोलो sp, क्लियर? एक है sp3, एक है sp2, बोलो क्लियर? एक है बोलो आपका कुछ भी दे दिया dsp2, क्लियर? चार ऑप्शन तो देगा ही देगा, बोलो क्लियर? अब हमारा काम क्या है कि भाई ये है कौन? मैंने कहा ये तो ऐसे है, क्लियर? पूछा किसका है? इसका। बताओ इसके नियर बाई कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3। और 1 2 3, तो इसका, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। तो मैं टिक कर दूंगा, क्लियर? दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया बोलो? ओके। मेरे से कहा जाए कि बेंजीन, ठीक है, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का संकरण होगा, क्लियर? बोलो क्या पूछा? बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का संकरण होगा। पहला ऑप्शन है sp, दूसरा है sp2, तीसरा है sp3, ओके। और मैंने कहा यहाँ पर बोलो एक है बोलो ऑल, क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ, बेंजीन की स्ट्रक्चर हम देखते जानते हैं, बोलो बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बोलो क्लियर? तो मैंने कहा बेंजीन तो ऐसा होता है, बोलो क्लियर? तो बेंजीन में हर कार्बन sp2 वाला होगा, बोलो क्लियर? क्योंकि 1 2 3, अरे ये H तो है ही है ना, क्लियर? तो बेंजीन में हर कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3। तो बोलो क्या होगा? sp2। बात समझ में आए? पहले बताओ, मैंने 3 कराया, अब मैं आपसे पूछूंगा, समझ में आया बोलो? अगेन आप पहले नोट करोगे, एक क्वेश्चन होगा, चार ऑप्शन होगा, पहले आप करोगे फिर मैं बताऊंगा। और समझे, जब तक मिस्टेक नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं, मेरी बात समझे? समझे बोलो। इसलिए मैं हमेशा थोड़ा कुछ सिखाऊंगा फिर आपको चेक कराऊंगा, क्लियर? और आप लर्निंग के टाइम मिस्टेक करते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्लियर? मतलब हमें हमारी कमियां बाहर निकालनी है कि हम क्या मिस्टेक करते हैं, क्लियर? तभी आपको लर्निंग होगा, ठीक है? तो ये जो मैंने बताया समझ में आया बोलो? पहले ये नोट करो फिर अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है?
ओके, थोड़ी समझ में आई? बोलो आपको। किया? ओके, ठीक ओके, दो में करोगे आप? बोलो। ठीक है, मैंने कहा नंबर फोर्थ। वाइनिल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CSCl, में कौन सा संकरण, ठीक है, नहीं है? ए sp ओनली, बी spn sp2 ओनली, सी sp2 ओनली, डी SPN SP3 ओनली। क्वेश्चन समझ में आया? बोलो आपको। ठीक है, ओके, ए किसी का आंसर, बी सी डी
क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बोलो। मैंने कहा कौन सा है पूछा है, कौन सा नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा, क्लियर? तो है पता कर लो, बाकी नहीं है हो जाएगा। अरे बोलो एकदम सिंपल, ये सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू सी एल, ये भी एस पी टू कार्बन है, ये भी एस पी टू कार्बन है। तो अगर पूछता कौन सा है तब ये करता, नहीं ये पूछा तो एस पी और एस पी थ्री, आए समझ? बोलो नहीं ये पूछा है ना, बात समझ में आए? बोलो आए। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने पूछा नहीं है, पहला लिखा हुआ एस पी ओनली, ओनली थोड़ी एस पी और एस पी थ्री दोनों नहीं है, तो एस पी ओनली तो रॉन्ग हुआ ना। फिर लिखा एस पी और एस पी टू ओनली, ये भी गलत है। बोलो एस पी टू ओनली, एस पी और एस पी थ्री ओनली, तो ये सही है ना। और ऑप्शन तो ऐसे ही आएंगे ना। बोलो क्लियर, आया समझ? बोलो आपको क्लियर, पूछूं मैं? बोलो और ऐसा क्वेश्चन के लिए किसी टॉपिक की जरूरत नहीं है, पूरी ऑर्गेनिक में क्वेश्चन बनते हैं ये, तो इसलिए मैं पहले ही बेसिक में आपको ये सिखा रहा हूँ। बोलो बात समझ में आए? ओके हो गया नोट। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा, बोलो एक्रिलो, क्या लिखा मैंने? बोलो एक्रिलो नाइट्राइल, क्लियर? ओके सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एन में कौन सा संकरण ठीक है? बोलो ए एस पी, बोलो टू ओनली एस पी एंड एस पी टू ओनली, एस पी टू एंड एस पी थ्री ओनली, क्लियर? और मैंने लिखा है यहाँ पर एस पी, बोलो क्लियर एंड एस पी थ्री ओनली। क्वेश्चन समझ में आया? बोलो आपको इस बार है पूछा है? बोलो क्लियर, वेरी इजी। आपको क्या देखा? सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये कौन सा कार्बन है? एस पी टू कार्बन, एस पी टू कार्बन, एस पी कार्बन, तो कौन से हैं? एस पी टू और एस पी, ठीक है? बात समझ में आए? बोलो नोट कर लो। ओके ओके थोड़ी वही है। बोलो बात समझो ना, एग्जाम में तो क्वेश्चंस आते हैं, बात समझो ना। ओके हमें प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा, बात समझो ना। पूछो क्वेश्चन, बोलो। ओके ठीक है, नंबर 6 स्टाइरीन, स्टाइरीन
क्लियर? CH डबल बॉन्ड CH2 में कौन सा संकरण होता है? पहला SP एंड SP2, SP ओनली, SP2 ओनली, SP3 ओनली। वेरी इजी, बोलो। बेंजीन के हर कार्बन पे SP2 होता है, यहाँ भी SP2 और यहाँ भी SP2। क्लियर? ओके। फिर एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपको, एज इट इज क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप बताना। मैंने कहा SP3 संकरण, ठीक है, निम्न में से किस रेखांकित, बोलो, कार्बन, ठीक है, का होगा? ए CH3 COOS, बी ऑप्शन CH3 COCH3, सी ऑप्शन CH2 CH CH3 ऑप्शन, और डी CH3 CH2 OH। क्लियर? आपको पूछा SP3, ठीक है। बताओ क्या होगा? SP3 पूछा है, चेक करो एक एक को, बोलो। ओके। जैसे हमने देखा कि जो पहला है वो तो ऐसा है, ये रेखांकित कार्बन है, 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब ये तो SP2 वाला हुआ। दूसरा हमने देखा कि, बोलो, ये तो आपका अगेन, बोलो, SP2 वाला हुआ, बोलो, ये तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन तो वैसे ही SP2 वाला होता है। और जैसे CH3 CH2 और OH देखा तो 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब ये कैसा होगा? SP3 वाला होगा। क्लियर? और थोड़ी वही जो मैंने सिखाई आपको। क्लियर? ओके। बात समझ में कर सकते हो? बोलो। क्लियर? बिल्कुल बेसिक चीज, बोलो, कोई टॉपिक नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अक्सर ऑर्गेनिक में आ जाते हैं। ठीक है।
क्या कार्बन की वैलेंस ही चार होती है, इसीलिए तो ऑर्गेनिक में कभी भी sp sp2 sp3 के अलावा कोई संकरण होता ही नहीं है, पूरा ऑर्गेनिक बेस ही कार्बन है बोलो। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार। ओके अच्छा फिर पूछता हूँ नंबर एट। मैंने कहा बोलो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, नाम सुना बेंजीन हेक्सा हेक्सा क्लोराइड, क्लियर? ओके में बोलो पाई बॉन्ड ठीक है की संख्या होगी, ठीक है? पहला ऑप्शन है बोलो वन, एक है थ्री, एक है टू, बोलो एक है सिक्स, एक है जीरो। बताओ नाम सुना कभी बेंजीन हेक्साक्लोराइड? ओके बताओ कितना होगा? कैसा होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड? आपको पता होना चाहिए कि बोलो ये C6H6 जब इसकी 3Cl2 से रिएक्शन कराते हैं तो C6H6 बोलो Cl6 ये जो बनता है इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लियर? बोलो BHC, क्या बोलते हैं? BHC, क्लियर? इसी को बोलते हैं 666, इसी को बोलते हैं गेमेक्सिन। बोलो क्या लिखा मैंने? बोलो गेमेक्सिन। इसी को बोलते हैं लिंडेन। ये सारे किसके नाम है? बोलो इसी के नाम है, क्लियर? और मैंने कहा ये है बेंजीन, क्लियर? बोलो ये है बेंजीन। ओके और मैंने कहा इस बेंजीन का फॉर्मूला है बोलो C6H6, क्लियर? और जब इस पर बोलो आपका 6 Cl जुड़ जाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि कहीं पर भी अब डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, क्लियर? बोलो कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, क्लियर? ओके और इसी को क्या कहा जाता है? C6H6Cl6। बोलो इसलिए क्या होता है अक्सर एग्जाम में क्यों आता है? इस नाम की वजह से स्टूडेंट गलती कर देते हैं। बोलो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं लेकिन ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है, क्लियर? जिसको हम BHC भी बोलते हैं, जिसको हम गेमेक्सिन भी बोलते हैं, जिसको हम लिंडेन भी बोलते हैं और जिसको हम बेंजीन हेक्सा क्लोराइड भी बोलते हैं। तो पाई बॉन्ड की संख्या आंसर क्या होगा? जीरो, क्लियर? आया समझ? बोलो ओके। मेरा मोटिव आपको बेसिक के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बताना, क्लियर? आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर मैंने जब क्वेश्चन कराते समय बोलो स्टायरीन फिर ये बताया तो आपको पता चला ये स्टायरीन होता है, क्लियर? मैंने यहाँ पर एक्रिलो नाइट्राइल लिखा तो ये बताया, यानी आपको पता चला ये एक्रिलो नाइट्राइल है। मैंने वाइनिल क्लोराइड लिखा, समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? ओके ताकि आपको छोटी छोटी बातें पता चले, ठीक है? आपको बात समझ में आई? बोलो आपको क्लियर?
आज क्या सिखाया, समझ में आया बोलो आपको, क्लियर? ओके, तो दो क्लास है हमेशा हमारी, एक फिजिकल और एक ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फर्स्ट ग्रेड ग्रेड केमिस्ट्री का 40 से 40% पार्ट है, यानी एक क्लास तो ऑर्गेनिक हमेशा रहेगी ही रहेगी, देन फिजिकल, देन इनऑर्गेनिक, देन बायोकेमिस्ट्री, पैरेलल चलाएंगे। बोलो बात समझ ना, जिससे क्या है कि आपका ऑर्गेनिक का बेस भी बनता रहे। बोलो टॉपिक बाय टॉपिक करते रहेंगे, बात समझ में आया बोलो। ओके चलो, सिखा मैं सब दूंगा, बस रेगुलरिटी होनी चाहिए, बात समझ ना। ओके, सब कुछ सिखा दूंगा।